हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रीड किया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्रिटिसाइज। आज हम पढ़ते हैं रीजनल ट्रेड ब्लॉक। रीजनल ट्रेड ब्लॉक जो हैं, इनकी उत्पत्ति होने का क्या कारण था। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे, हमारे जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इस प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन थे ये प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ये डेवलप्ड नेशंस के फेवर में अपने जो डिसीजन लेते थे, जिससे जो अंडर डेवलप्ड नेशन थे या पुअर नेशन थे या डेवलपिंग नेशन थे, उनके जो राइट होते थे, उनके जो अधिकार होते थे, उनको अनदेखा किया जाता था। उनके जो राइट थे और जो उनके अधिकार थे, उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा था, जिसके कारण से अपने ट्रेड को बेनिफिट में लाने के लिए और अपने कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ जो नेबरर कंट्री थे या जो ज्योग्राफिकल एरिया के नियर बाई एरिया में थे या जो समरूपता या पूरकता के साथ जो देश आगे बढ़ना चाहते थे कि सभी का विकास एक साथ हो, इस आधार के ऊपर उन्होंने अपने अपने रीजन्स के अंदर रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स जो हैं वो सेटअप किए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसके फॉर्मेशन के क्या कारण थे और ये कौन कौन से हैं। तो फॉर्मेशन का कारण मैंने आप लोगों को बताया है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से जो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री थे उनका एक्सप्लोइटेशन हो रहा था और उनके डेवलपमेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो रिड्यूस हो रही थी। तो बुक में देखिए, द रीजनल ट्रेड ब्लॉक हैव कम अप इन ऑर्डर टू इनकरेज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज विथ ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। प्रादेशिक व्यापार समूह जो है वो भौगोलिक समीपे, प्रॉक्सिमिटी मीन्स भौगोलिक रूप से जो एक दूसरे के नज़दीक थे, मीन्स जिनकी लैंड बाउंड्री या ज्योग्राफिकल जो कंडीशंस थी वो एक जैसी थी, जिनके सिमिलरिटी एंड कंप्लीमेंट टेरिटरीज इन ट्रेडिंग आइटम्स एंड टू कार रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। इसमें बताया गया है कि जो भौगोलिक समीपे थे, जिनका जो नज़दीक थे, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी थे, जिनमें एक दूसरे की समरूपता पाई जाती थी, सिमिलरिटीज थी, और पूरकता जिनके अंदर पाई जाती थी, कॉम्प्लीमेंटेरिटीज जिनमें थी इन ट्रेडिंग आइटम व्यापार की वस्तुओं के रूप में, उन देशों के बीच में ये ट्रेड ब्लॉक स्टार्ट हुए। और दूसरा, कर्व द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। और जो डेवलपिंग नेशंस थे, विकासशील देश थे, उन पर जो लगे हुए प्रतिबंध थे, उन प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से ये रीजनल ट्रेड ब्लॉक जो हैं वो ओरिजिनेट हुए, इनका फॉर्मेशन हुआ। टूडे 120 रीजनल ट्रेड ब्लॉक जनरेट 52% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड का जो 52% इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसमें उसको जनरेट करने वाले अब 120 रीजनल जो क्षेत्रीय व्यापारिक समूह है, रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स जो हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, अपने वर्किंग कंडीशंस के अंदर हैं। दीज ट्रेडिंग ब्लॉक्स डेवलप एज रिस्पॉन्स ऑफ द फेलियर ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टू स्पीड अप इंट्रा रीजनल ट्रेड। इन व्यापार समूह का विकास जो प्रादेशिक व्यापार समूह को गति देने के लिए जो रीजनल ट्रेड था उसको स्पीडली इम्प्रूव करने के लिए, स्पीड प्रोवाइड करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थे वो फेल हो गए थे, फेलियर टू द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टू स्पीड अप इंट्रा रीजनल ट्रेड। इंट्रा रीजनल ट्रेड को स्पीड अप करने के लिए रीजनल
सॉरी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो फेल हो गए, तो इसलिए अपने रीजनल ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए रीजनल ट्रेड ब्लॉक जो है वो शुरू हुए। नेक्स्ट आता है, थ्रू दिस रीजनल ब्लॉक्स रिमूव ट्रेड टैरिफ विद इन द मेंबर नेशंस। रीजनल ट्रेड ब्लॉक जो है उनके फंक्शन क्या है, तो रीजनल ट्रेड ब्लॉक हैं वो अपने जो मेंबर नेशंस होते हैं उनके बीच में जो ट्रेड टैरिफ होता है उसको वो क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं विद द मेंबर नेशंस एंड इनकोरेज फ्री ट्रेड, और उनके बीच में वो फ्री ट्रेड करते हैं। फ्री ट्रेड इन द फ्यूचर इट कुड गेट इनक्रेजनली डिफिकल्ट फॉर फ्री ट्रेड टू टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट ट्रेड ब्लॉक। ये प्रादेशिक राष्ट्र के बीच में जो व्यापार शुल्क होता था उसको हटा देते थे, उनमें मुक्त व्यापार जो फ्री ट्रेड होता था उसको बढ़ावा देते थे, लेकिन भविष्य में विभिन्न व्यापारिक समूहों के बीच मुक्त व्यापार का बने रहना कठिन हो जाता था। डिफरेंट ट्रेड ब्लॉक जो फ्री ट्रेड था उनमें डिफिकल्ट हो जाता था फ्यूचर्स के अंदर भविष्य के अंदर भी इनको फ्री रखना। सम मेजर रीजनल ट्रेड ब्लॉक हैव बीन लिस्टेड इन टेबल 9.3। 9.3 के अंदर जो हमारे रीजनल ट्रेड ब्लॉक है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उनके बारे में इसमें दिया गया है, तो इसको हम देखें। इसमें सबसे पहले जो हमारा रीजनल ट्रेड ब्लॉक आता है वो आता है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ और ईस्टर्न जो है वो कंट्री इसके अंदर इंक्लूड है, जिनका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है, और इसका ओरिजिन जो हुआ है वो 1967 अगस्त के अंदर इनका ओरिजिन हुआ है। तो ये पॉइंट है वो ध्यान रखना कि आसियान का हेडक्वार्टर, 1 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं उसके मेंबर नेशंस और उनमें कौन कौन सी जो गुड्स होती हैं उनका वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसमें ब्रुनेई, दारुसलम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये कंट्री जो हैं ये आसियान के मेंबर नेशन हैं। इनमें इन सबको आपको नाम ध्यान रखने हैं। इनमें कौन कौन से गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो इसमें एग्रो प्रोडक्ट, रबर, प्लम ऑयल, राइस, कोपरा, कॉफ़ी, मिनरल्स के अंदर जो हैं ये तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे। इसके बाद मिनरल प्रोडक्ट्स में कॉपर, कोल, निकल एंड टंगस्टन। एनर्जी सोर्स के रूप में जो है वो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो हैं वो इनके बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो हैं ये अपने मेंबर नेशंस की जो इकोनॉमी होती है उसको एक्लरेट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, ग्रोथ कल्चर एंड डेवलपमेंट कल्चरल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, पीस एंड रीजनल स्टेबिलिटी और प्रादेशिक स्थायित्व के आपस के अंदर एक दूसरे की हेल्प करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, और सभी मेंबर कंट्री हैं वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेवल को इंक्रीज करें। इस प्रकार से ये एक दूसरे की जो हेल्प भी करते हैं। उसके बाद आते हैं आपका CIS कंट्री, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मिंसक, बेलारूस के अंदर ये आता है। इसके अंदर जो मेंबर कंट्री हैं वो आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, मालडोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान, ये इसके मेंबर कंट्री हैं जो CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट हैं उन। इनके अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो क्रूड ऑयल्स का, कच्चे तेल का,
नेचुरल गैस, गोल्ड, कॉटन, फाइबर, एल्युमिनियम, ये जो हैं इनमें इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। इसके साथ ही ये जो अपने मेंबर कंट्री होते हैं इनकी इकोनॉमी को, सिक्योरिटी वगैरह जो होते हैं इनको, डिफेंस फॉरेन पॉलिसी वगैरह जो होते हैं इनमें भी जो हैं वो सहयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, वो आता है आपका यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जिनमें यूरो करेंसी का संचालन किया गया, वो कंट्री जिनमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो करेंसी का एक्सचेंज होता था उसको समाप्त करके और सिंगल करेंसी है वो इन कंट्री ने आपस में एक लागू कर ली, जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किसी प्रकार के करेंसी चेंज की प्रॉब्लम ना आए। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट मेंबर कंट्री हैं वो हैं आपका ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोशिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। ये सभी जो यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर आने वाले जो कंट्री हैं उनमें सभी ने मिलकर के अपना एक ग्रुप बनाया जिसको यूरोप यूनियन के नाम से जानते हैं। ये मार्च 1957 के अंदर स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो ईईसी थी वो 1957 में हुआ, उसके बाद इसका नाम बदल करके फरवरी 1992 में यूरोप यूनियन कर दिया गया। इसमें जो प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनके अंदर आपका एग्रो प्रोडक्ट, मिनरल्स, केमिकल्स, वुड, पेपर, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लॉक्स, वर्क ऑफ आर्ट एंड एंटीक्यू, ये जो हैं ये गुड्स जो हैं ये इनके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। इनके अंदर सिंगल मार्केट विद सिंगल करेंसी, पूरों का एक ही, जैसे कि हमारे लोकल मार्केट होता है ऐसा ही पूरे सभी कंट्री के जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्री हैं उनके लोकल मार्केट की तरह जो है वो हम गुड्स और सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यूरो करेंसी इनके अंदर लागू की गई है। उसके बाद आता है आपका लैटिन अमेरिकी इंटीग्रेशन एसोसिएशन, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिया गया है मोंटेवीडियो उरुग्वे के अंदर, मोंटेवीडियो उरुग्वे के अंदर दिया गया है। इसका जो फॉर्मेशन ओरिजिन हुआ वो 1994 के अंदर हुआ। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट मेंबर नेशंस हैं वो है आपके अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर, मेक्सिको, पराग्वे, पेरू, उरुग्वे एंड वेंजुएला, ये इसके मेंबर कंट्री हैं। इनके अंदर जो साउथ लैटिन अमेरिकी मीन्स होते हैं, जो साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंदर जो कंट्री होते हैं इनके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो बहुत कम होता है। ये अदर कंट्री के साथ जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उसके लिए ये ट्रेड ब्लॉक जो है इन्होंने बनाया, क्योंकि इन सब के अंदर लगभग एक समान सी ही जो नेचुरल रिसोर्स और अदर्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस वगैरह जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है आपका नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशंस, नॉर्थ अमेरिका को इसको शॉर्ट रूप में नाफ्ता के नाम से भी जानते हैं। ये
यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, इन तीन कंट्री के ने मिलकर के बनाया है। और इनके जो हेडक्वार्टर हैं, जो इनके फंक्शनल ऑफिस हैं, वो यूएसए में भी है, कनाडा और मैक्सिको तीनों के अंदर पाया जाता है। 1949 के अंदर ये बना था। इनके अंदर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, एग्रो प्रोडक्ट, मोटर व्हीकल्स, ऑटोमेटिव पार्ट्स, कंप्यूटर और टेक्सटाइल जो है वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होते। इसके बाद जो है वो ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, ये वो कंट्री का समूह है जहाँ पेट्रोल का वो एक्सपोर्ट करते हैं। इनका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। इसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं वो अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड वेनेजुएला। ये जो हैं जो पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं, वो आते हैं इसमें। इसमें क्रूड पेट्रोलियम जो होता है वो किया जाता है। इसमें जो क्रूड पेट्रोलियम के प्राइस वगैरह फिक्स किए जाते हैं, तो इन सब कंट्री ने मिलकर ही ये प्राइस वगैरह जो हैं वो फिक्स किए जाते हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेट एंड अनफाई पेट्रोलियम पॉलिसीज, खनिज तेल और उनसे संबंधित जो नियम कानून होते हैं, समन्वय होते हैं, एकीकरण होता है, उनके लिए ये बनाया गया है। नेक्स्ट आता है आपका साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया के अंदर बनाया गया है ये। अलग अलग नेशंस के अंदर इनके मीटिंग्स होते हैं। बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका इसके मेंबर कंट्री हैं। 2006 के अंदर इसका ओरिजिन हुआ था। इसके अंदर जो साउथ एशियन जो कंट्री हैं, इनमें रिड्यूस टैरिफ ऑन इंटर रीजनल ट्रेड, इस ग्रुप में मेंबर हैं। इनके अंदर जो व्यापार कर थे, ट्रेड टैरिफ थे, उसको रिड्यूस करना और अपने मेंबर कंट्री के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने 2006 के अंदर यह साफ्टा रीजनल ट्रेड का फॉर्मेशन किया। रीजनल ट्रेड ब्लॉक का जो टॉपिक हमने पढ़ा, इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो इसमें आ सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से डीपली रीड करना। नेक्स्ट आता है आपका कंसर्न रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित जो मामले हैं, इनके अंदर जो इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, उन पर डिस्कस किया जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड से जो है उसके क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो इनको हम सबसे पहले पढ़ते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेज। अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू नेशन इफ़ इट लीड टू रीजनल स्पेशलाइजेशन। इसमें दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभदायक होता है। यह एक प्रादेशिक विशिष्टीकरण, इट लीड टू रीजनल स्पेशलाइजेशन। ये स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एग्जिस्ट क्यों होता है, उसकी उत्पत्ति क्यों होती है, उसकी शुरुआत क्यों होती है। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी रीजन जो है वो किसी भी प्रोडक्ट्स के अंदर स्किल्स, टेक्नोलॉजी या अन्य किसी भी मैटर के अंदर स्पेशलाइजेशन कर लेता है, तो उस स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट अदर नेशंस रिसीव करने के लिए वो उस नेशन से वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की गुड्स और अदर जो भी आइडियाज़, थॉट्स और वेव्स होते हैं उनको वो रिसीव करते हैं। हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शंस, नेक्स्ट पॉइंट आता है हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइस एंड वेज एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर।
इसमें बताया है कि रीजनल स्पेशलाइजेशंस, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें जिस कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी हाई हो जाती है तो हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शंस, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड कंट्री का बेटर होता है, वर्ल्ड वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, इससे वर्ल्ड वाइड लेवल्स पर जो गुड्स और सर्विस होती हैं उनकी अवेलेबिलिटी होती है, इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइस, प्राइस का सामान्यकरण होता है सभी जगह, जो वेतन होते हैं वो कीमत जो होती है वो सभी जगह एक समान मिलते हैं, एंड वेज और मजदूरी और वेतन है उसका भी सामान्यकरण होता है, एंड डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड कल्चर्स, और जो ज्ञान और संस्कृति होता है उसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर पहुंचाया जाता है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड्स के बेनिफिट हैं, इनको वन वन सेंटेंस बना करके, सिंगल सिंगल सेंटेंस बना करके आप इनको अपने नोटबुक में नोट करेंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी प्रूव टू बी डिटर्मिनेंटल टू नेशंस ऑफ इट लीड टू डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो कई बार कुछ कंट्री जो होते हैं, नेशंस जो होते हैं, उनके लिए हार्मफुल भी हो सकता है। ऑफ इट लीड टू डिपेंडेंसी ऑन द अदर कंट्री, अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री पर निर्भर हो जाता है। अनइवन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के असमान अवसर और स्तर उनको प्राप्त होता है। नेक्स्ट होता है एक्सप्लोइटेशन एंड कॉमर्शियल रिवाइवल लीडिंग टू वार, जिससे एक्सप्लोइटेशंस होते हैं एंड कॉमर्शियल रिवाइवली लीडिंग टू वार, जब यह है इस प्रकार की असमानता उत्पन्न हो जाती है तो उससे जो शोषण होता है, असमानता उत्पन्न हो जाती है तो इससे जो व्यापारिक युद्ध की स्थिति है वो भी उत्पन्न हो जाती है, मीन्स ट्रेड वार की कंडीशंस भी उत्पन्न हो जाती है। ग्लोबल ट्रेड अफेक्टेड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, विश्वव्यापी व्यापार जीवन के अनेक पक्षों को भी प्रभावित करता है, जीवन में और भी दूसरे जो फैक्टर होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, उनको ये प्रभावित करता है। इट कैन इम्पैक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, यह विश्व में पर्यावरण से लेकर के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण, जो वेलफेयर वेलबींग, जो वेलफेयर है, हेल्थ है, उनको भी ये प्रभावित करता है। एज कंट्रीज कंपीट टू ट्रेड मोर, जैसे ही देशों के बीच में व्यापार की कंपीटमेंट, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन इंक्रीज होता जाता है, प्रोडक्शंस एंड द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स सप्लाई अप, तो वैसे ही जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको तेजी से उनका यूज होता है, उनका एक्सप्लोटेशंस होता है, जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्स फास्टली जो हैं वो डिग्रेड होने लगते हैं। रिसोर्स कैट गेट यूज अप फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेनिश्ड, जिसके कारण से वो फास्टली जो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनका उपयोग बढ़ जाता है, संसाधनों के नष्ट होने की जो रेट होता है वो उनके पुनर्निर्मित होने की दर से अधिक हो जाता है। कैन रिप्लेनिश्ड, रिप्लेनिश्ड एज ए रिजल्ट, सॉरी, रिसोर्स गेट यूज अ फास्टर देन दे कैन बी रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश्ड जो होते हैं, दोबारा जो निर्मित होते हैं, उनकी तुलना में उनका यूज फास्टली होता है, जिससे वो डिक्लाइन होने लगते हैं। एज ए रिजल्ट मैरीन लाइफ इज आल्सो डिप्लेटिंग फास्ट, इसका एक परिणाम ये है कि जो हमारे समुद्री जीवन है वो भी तीव्रता से नष्ट
हो रहे हैं उनको भी हानि हो रही है। फॉरेस्ट आर बिंग कट डाउन, वन जो हैं उनको तेज़ी से काटा जा रहा है। एंड रिवर बेसिन सोल्ड ऑफ टू प्राइवेट ड्रिंकिंग वाटर कंपनीज, और जो नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं वो नेशनल गवर्नमेंट अपने जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं जैसे रिवर्स और अदर जो बेसिन एरिया होते हैं उनको भी ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए प्राइवेट कंपनी को जो है वो अलॉट कर देते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ट्रेडिंग इन ऑयल्स, मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं वो ऑयल का ट्रेडिंग करती हैं, गैस माइनिंग, गैस का खनन करती हैं, एंड द फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्री बिजनेस कीप एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशंस एट ऑल कॉस्ट क्रिएटिंग मोर पोल्यूशंस, जिससे वो एग्री बिजनेस कृषि व्यवसाय फार्मास्यूटिकल्स मीन्स होती हैं जो दवा संबंधी दवाइयां बनाने की जो उद्योग होते हैं ये भी सब प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाता है। एग्रीकल्चर बिजनेस होता है, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी बिजनेस है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के थ्रू होने लग जाता है। एक्सपेंडिंग देयर ऑपरेशन एट ऑल द कॉस्ट क्रिएटिंग मोर पोल्यूशंस, और इसके कारण से बड़े पैमाने पर जो है वो प्रदूषण उत्पन्न होता है। देयर मोड ऑफ वर्क डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कोई भी जो रूल है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अनुसरण नहीं करता है। सब जो हैं वो इस प्रकार की कार्य पद्धति को अपनाते हैं जिससे सतत पोषणीय विकास के मानक जो होते हैं नॉर्म्स जो होते हैं उनको अबलाइज कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, केवल फास्टली वो अर्निंग रिसीव करने के लिए और बेनिफिट रिसीव करने के लिए वर्क करते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट जो है और अदर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका फास्टली एक्सप्लोटेशन होता है। इफ़ ऑर्गेनाइजेशंस आर गियर्ड ओनली टूवर्ड प्रॉफिट मेकिंग, यदि संगठन केवल लाभ बनाने की ओर उन्मुख रहते हैं, सभी प्रकार के जो संगठन जो होते हैं वो बेनिफिट रिसीव करने के लिए ये काम करते हैं। एंड एनवायरमेंटल एंड हेल्थ कंसर्न्स आर नॉट एड्रेस्ड, कहीं कोई भी जो है वो पर्यावरण या स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर ध्यान नहीं देता है। नॉट एड्रेस हेल्थ एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, किसी भी विषय पर वो ना ही स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, हेल्थ पर ध्यान देते हैं, ना ही पर्यावरण पर ध्यान देते हैं, और निरंतर जो है नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लोइटेशन करते रहते हैं, उनका यूटिलाइज करते रहते हैं, जिससे हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। कंसर्न आर नॉट एड्रेस्ड देन इट कुड लीड टू सीरियस इम्प्लिकेशन इन फ्यूचर्स, जिसका हमारे भविष्य में एक बहुत ही बुरा प्रभाव, गहरा प्रभाव पड़ता है या होने की संभावना होती है। तो ये थे हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, और सेकंड पैराग्राफ के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड के जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, तो इन दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है। ये पूरा एक कंसर्न रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड आपके 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, 2 क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, तो दोनों को अच्छे से पढ़ें। इसके बाद आते हैं हमारे गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो गेटवे क्यों होता है, कहाँ से एंट्री करता है? तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारे पोर्ट्स के थ्रू जो है वो एंट्री करता है, चाहे वो हमारे ड्राई पोर्ट हो चाहे हमारे वो सी पोर्ट हो। मीन्स ज़्यादातर जो होता है वो हमारे जो ओशियन पोर्ट होती हैं इनके थ्रू आता है, ओशियन वाटरवे के थ्रू आता है 95% जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, और 5% जो होता है वो आपका एयरपोर्ट के थ्रू आता है। तो एयरपोर्ट जो होती हैं वो आपके ड्राई पोर्ट होती हैं, और जो
पोर्ट्स होती हैं खाली, जिनको पोर्ट्स के नाम से जानते हैं, ये आपकी ओशियन पोर्ट होती हैं। तो इन दोनों के थ्रू ही हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। तो पोर्ट्स के थ्रू ही कंट्री का जो गुड्स होती हैं वो अदर कंट्री के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, और अदर कंट्री से जो गुड्स आती हैं वो कंट्री के अंदर एंट्री होती हैं, तो वो पोर्ट्स के थ्रू ही होती है। इसलिए पोर्ट को गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से जानते हैं। चीफ गेटवे ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल ट्रेड आर द हार्बर एंड पोर्ट। हार्बर और पोर्ट के थ्रू हमारा ये आता है। कार्गोज एंड द ट्रेवलर्स पास फ्रॉम वन पार्ट टू द वर्ल्ड टू अनोदर थ्रू दिस पोर्ट। जो भी सामान हमारा जाता है, यात्री हमारे देश में आते हैं या जाते हैं, उनमें से अधिकतर जो होते हैं वो पोर्ट के थ्रू ही जाते हैं। द पोर्ट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ डकिंग। डकिंग मीन्स जहाज को खड़ा करने के लिए, लोडिंग अनलोडिंग एंड द स्टोरेज फैसिलिटी फॉर कार्गो। और जो हमारे कार्गो आते हैं उनके अंदर जो गुड्स आती हैं उन गुड्स को स्टोरेज करने के लिए गोडाउन वगैरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो ये पोर्ट हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है? पोर्ट प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ डकिंग। डकिंग मीन्स जहाज़ों को खड़ा करने के लिए, लोडिंग अनलोडिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, एंड स्टोरेज फैसिलिटी फॉर कार्गो, जो सामान आता है उसको स्टोरेज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही जो हमारे शिप के अंदर क्रू मेंबर्स होते हैं उनके लिए रेस्ट हाउस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे पोर्ट्स शिप वगैरह होते हैं इनमें फ्यूल, वाटर और जो इनकी साफ सफाई की व्यवस्था होती है, इनकी फैसिलिटी भी हमें पोर्ट के थ्रू ही प्रोवाइड होती है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटी द पोर्ट ऑथराइज मेक अरेंजमेंट फॉर द मेंटेनिंग नेविगेबल चैनल्स, अरेंजिंग टग्स एंड बरेज। बरेज मीन्स होते हैं सामान लादने वाले जहाज, एंड प्रोवाइडिंग लेबर एंड मैनेजरियल सर्विस। द इम्पोर्टेंट ऑफ द पोर्ट इज जज बाय द साइज ऑफ कार्गो एंड नंबर ऑफ शिप हैंडल। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि कार्गो जो पोर्ट होती है उसका इम्पोर्टेंस उसके साइज ऑफ कार्गो के, उस पर कितना सामान उतारा चढ़ाया जाता है, और नंबर ऑफ शिप हैंडलिंग, और एक टाइम पीरियड के अंदर वो कितने शिप को हैंडल कर सकता है, कितने शिप को लोड अनलोड या उनके लिए जो है वो डकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है। द क्वांटिटी ऑफ कार्गो हैंडल्ड बाई ए पोर्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इट्स हिंटरलैंड। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखने जो लास्ट के अंदर थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ पोर्ट। जनरल पोर्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ट्रैफिक विच दे हैंडल। टाइप ऑफ पोर्ट अकॉर्डिंग टू द कार्गो हैंडल। कार्गो हैंडल के अकॉर्डिंग जो पोर्ट्स हैं उनको थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया। सबसे पहले इंडस्ट्रियल पोर्ट। इंडस्ट्रियल पोर्ट, दीज पोर्ट स्पेशलाइज इन द बल्क कार्गो लाइक ग्रेन, शुगर और ऑयल, केमिकल एंड सिमिलर प्रोडक्ट्स। ये जिस पोर्ट के थ्रू ये गुड्स जो हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाती हैं उसको हम इंडस्ट्रियल पोर्ट कहते हैं। इस पोर्ट के नियर बाई एरिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होते हैं, जिसमें से इंडस्ट्रियल सेक्टर को रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ये पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट पोर्ट आती है कमर्शियल पोर्ट। दीज पोर्ट हैंडल जनरल कार्गो पैकेज्ड प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। दीज पोर्ट आल्सो हैंडल पैसेंजर ट्रैफिक। कमर्शियल पोर्ट जो होती हैं वो व्यापारिक होती हैं, मीन्स कमर्शियल पर्पज़ के लिए सेटअप होती हैं। अदर्स जो इंडस्ट्री वगैरह होती हैं वो अपने गुड्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए पोर्ट को रेंट पर लेती हैं, या पोर्ट के जो फेयर वगैरह होती है किराया जो वगैरह होता है वो इसको प्रोवाइड करवाती हैं। इसमें पैसेंजर जो होते हैं उनको भी ट्रैवलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका कॉम्प्रहेंसिव पोर्ट। सच पोर्ट हैंडल बल्क एंड जनरल कार्गो इन लार्ज वॉल्यूम। बड़े पैमाने पर और सामान्य स्तर के ऊपर जो है वो सामान को ये
एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। मोस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेट पोर्ट आर क्लासिफाइड एज कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। विश्व की ज़्यादातर जो पोर्ट्स हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट विस्तृत पतन के रूप में ही यूज किया जाता है, जिसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कॉमर्शियल प्रोडक्ट, बोथ टाइप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ पोर्ट ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेस के ऊपर जो टाइप्स होती हैं उनको हम थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले जो मेन पोर्ट आती है, मेन पोर्ट जो कोस्टल एरिया पर रहती है, जैसे कि आपका ये कोस्टल एरिया, ये आपका यहाँ पर पोर्ट है, तो ये मेन पोर्ट होती है। एक पोर्ट जो है वो इनलैंड पार्ट के अंदर होती है, जो कैनल या रिवर्स के थ्रू कनेक्टेड हो रहती है ओशन से, और दूसरी होती है वो ओपन ओशन के अंदर होती है, जो बड़े और बल्क शिप जो होते हैं वो मेन पोर्ट पर नहीं पहुंच पाते, तो यहीं पर वो लोड और अनलोड होते हैं। तो ये मेन तीन टाइप की होती हैं। आपकी बुक में दो दी गई हैं, इनलैंड पोर्ट। इनलैंड पोर्ट जो किसी भी कंट्री के इनलैंड पार्ट पर सिचुएटेड होती हैं, और ये कैनाल्स या रिवर्स के थ्रू जो है वो ओशन से कनेक्टेड रहती हैं। दूसरी आती है आपकी आउटर पोर्ट। आउटर पोर्ट या आउट पोर्ट जो होती है वो ओपन ओशियंस के अंदर होती है। इसमें बल्क की जो शिप होते हैं, बड़े जो शिप होते हैं, वो सेडिमेंट डिपॉजिट होने के कारण से जो आपके कोस्टल एरिया की शिप होती हैं, मेन जो पोर्ट होती है वहाँ पर ये नहीं पहुँच पाती। तो इसमें देखिए इनलैंड पोर्ट, दीज पोर्ट आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। ये सी कोस्ट से क्या रहती हैं, दूर होती हैं। दे आर लिंक टू द सी थ्रू ए रिवर और कैनल। सच पोर्ट्स आर एक्सेसेबल टू फ्लैट बॉटम शिप और बारेज, जिनका बॉटम बिल्कुल फ्लैट रहता है, तलहटी बिल्कुल फ्लैट रहती है, उन जहाज़ों के लिए और छोटी नावों के लिए। बारेज मीन्स होते हैं छोटे जहाज के लिए, ये जिनको बजरेज भी बोलते हैं, बजरेज के नाम से जानते हैं, ये छोटे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर इज लिंक्ड विद कैनाल। इसी टाइप से जो मैनचेस्टर है वो नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आता है मैफिन्स इज लोकेटेड ऑन द रिवर मिसिसिपी। मिसिसिपी रिवर जो पीछे हमने पढ़ा था, मिसिसिपी इनलैंड वाटरवे जो है उसके बारे में। इसी टाइप से राइन हैज सेवरल पोर्ट लिंक मैनीहेम टू एंड ड्यूइसबर्ग, एंड कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर हुगली ए ब्रांच ऑफ द रिवर गंगा। जो गंगा नदी की शाखा है हुगली नदी, उसके ऊपर कोलकाता सी पोर्ट इंडिया के अंदर बना हुआ है। इसी प्रकार से मैनीहेम ड्यूइसबर्ग जो हैं ये भी आपका इनलैंड पोर्ट हैं, जो राइन नदी के ऊपर बने हुए हैं। ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था राइन रिवर्स जो आपकी यूरोप के अंदर आती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इनलैंड पोर्ट के एग्जांपल ये बहुत सी बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आउटर पोर्ट या आउट पोर्ट। दीज आर डीप वाटर पोर्ट्स बोल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट। जो एक्चुअल पोर्ट होती है उस एक्चुअल पोर्ट से ये डीप वाटर के अंदर बनी हुई होती है। पोर्ट रिसीविंग दीज सर्व द पार्टन पोर्ट्स सॉरी पेरेंट पोर्ट बाई रिसीविंग दोज शिप विच आर अनेबल टू अप्रोच दैम ड्यू टू द लार्ज साइज। जो बड़ी साइज होने के कारण से पेरेंट पोर्ट तक नहीं पहुंच पाती हैं उनके लिए ये आउटर पोर्ट हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आती है टाइप ऑफ पोर्ट, बेसिक ऑफ स्पेशलाइजेशन फंक्शन। इनके मेन फंक्शन के आधार पर जो पोर्ट्स हैं वो बनाई गई हैं, जिसमें सबसे पहला जो आता है आपका वो आता है ऑयल पोर्ट। इनके अंदर जो ऑयल टैंकर होते हैं, इनके थ्रू ऑयल और गैस जो होती है उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो आ जाती हैं आपकी ऑयल पोर्ट आ जाती है। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि हमारी जो
ऑयल पोर्ट हैं वर्ल्ड के अंदर वो कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले आपका दिया गया है माराकाइबो इन वेंजुला, माराकाइबो इन वेंजुला। दूसरा दिया गया है इसके अंदर एसस खीरा इन तुनेशिया, एसस खीरा इन तुनेशिया। त्रिपोली इन लेबनान, त्रिपोली इन लेबनान। लेबनान जो है ये आपकी क्या है मेन ऑयल पोर्ट है। इसके बाद अबादान, अबादान ऑन द गल्फ ऑफ पार्सिया इज ए रिफाइनरी पोर्ट। इसके अंदर जो है वो अबादान पोर्ट है पार्सिया की खाड़ी के अंदर, गल्फ ऑफ पार्सिया के अंदर, तो वो रिफाइनरी पोर्ट है। ये आपको ध्यान में रखना, रिफाइनरी पोर्ट जो है वो अबादान पोर्ट है, जिसके ऊपर जो ऑयल होता है उसको रिफाइन किया जाता है, तो ये रिफाइनरी पोर्ट आ जाती है। उसके बाद आती है आपकी पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल जो होती है ये जो लॉन्ग डिस्टेंस के ओशंस वाटरवे होती है इनके बीच में जो रेस्ट के लिए या किसी प्रकार की कोई शिप में प्रॉब्लम आ जाती है या उसमें फ्यूल समाप्त हो जाता है या उसमें फूड वगैरह या वाटर वगैरह जो है वो समाप्त हो जाता है, तो उसके लिए ये इस प्रकार के पोर्ट की फैसिलिटी लॉन्ग रूट वाले जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो रूट होते हैं उनके बीच की मिड पॉइंट पर ये बनाई हुई रहती है। दीज आर द पोर्ट विच ओरिजिनली डेवलप्ड एज कॉलिंग पॉइंट ऑन द मेन सी रूट वेयर शिप यूज टू एंकर फॉर रिफिलिंग वाटरिंग एंड टेकिंग फूड आइटम। लेटर ऑन दे डेवलप इन टू द कॉमर्शियल पोर्ट। बाद में इनको कॉमर्शियल पोर्ट के रूप में डेवलप कर दिया गया, जैसे इसमें आपका आ जाता है अदन, होनोलुलु, सिंगापुर आर गुड एग्जाम्पल। ये ध्यान रखना है पोर्ट ऑफ कॉल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। इसके बाद आते हैं आपके पैकेट स्टेशंस। दीज आर आल्सो नोन एज फेरी पोर्ट, इनको फेरी पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इनमें क्या होता है कि शॉर्ट डिस्टेंस के एक लॉन्ग रूट जा रहा होता है उस पर शॉर्ट डिस्टेंस के जो सी पोर्ट्स होती हैं ये शॉर्ट डिस्टेंस के सी पोर्ट इस लॉन्ग डिस्टेंस के रूट की फैसिलिटी रिसीव करने के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस पर अपनी गुड्स जो होती हैं उनको सप्लाई करने के लिए ये इनको स्मॉल डिस्टेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, छोटी दूरी की, जिसको हम जैसे स्टेशन होता है, तो स्टेशन जो होते हैं वो छोटे छोटे जो स्टेशंस माइनर्स सॉरी जो जंक्शंस होते हैं वो छोटे स्टेशंस को अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही जो पैकेट स्टेशन हैं ये जंक्शन पॉइंट के रूप में आ जाते हैं। दीज आर नोन एज द फेरी पोर्ट। दीज पैकेट स्टेशंस आर एक्सक्लूसिवली कंसर्न्ड विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी की ये यात्रा करते हैं। दीज स्टेशंस अकर इन पेयर लोकेटेड इन सच ए वे दैट दे फेस इच अदर अक्रॉस द वाटर बॉडी, जो जल क्षेत्र के एक से दूसरे क्षेत्र किनारे पर बने हुए होते हैं और ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे को अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे इसके अंदर दिया गया है डोवर इन इंग्लैंड एंड कैलेसिया, कैलाइस इन फ्रांस अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। तो ये कैलाइस और डोवर जो हैं ये आपकी मेन जो हैं ये किसके रूप में आती हैं, पैकेट स्टेशन के अंदर होती हैं। इसके बाद आती हैं आपकी एंथ्रोपोर्ट, एंथ्रोपोर्ट पोर्ट। दीज आर कलेक्शन सेंटर वेयर द गुड्स एंड ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्री फॉर एक्सपोर्ट। सिंगापुर इज एन एंथ्रोपोर्ट फॉर एशिया। ये एक इंटरमीडिएट पॉइंट होता है, बीच का बिंदु होता है, जिसपे चारों तरफ से जो सामान होता है वो इस पोर्ट के ऊपर ला करके कलेक्ट कर दिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के जो कलेक्शन सेंटर होते हैं, कलेक्शन पोर्ट्स जो होती हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से गुड्स जो होती हैं वो कलेक्ट करके और
डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर ही उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से जो गुड्स आती हैं उनको इम्पोर्ट करके और उनके डेस्टिनेशन रीजन्स पर उनको सप्लाई किया